पहले तो आपके चैनल के जरिए हमको हमके जे भी देख रहा बा भैया चाचा माई बहन सबके पैर छू के प्रणाम करत नहीं और ये बहुत ही खुशी की बात है। 12वीं साल मनावल जाता तो ये हमारे सब भोजपुरी कलाकार के लिए सौभाग्य की बात है। काफ़ी योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका, मतलब काफ़ी बड़ा नाम है, क्या कहना चाहिए आगे जाके किस तरह से योगदान देना चाहेंगे और इंडस्ट्री को, और क्या बदलाव चाहते हैं आप अपनी तरफ से? भोजपुरी में अच्छी अच्छी फिल्में बने और मुझे सिर्फ इतना आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने श्रोता का आशीर्वाद हूँ, श्रोता मेरे लिए भगवान है और अच्छे अच्छे गाने बने, अच्छी फिल्में बने ताकि भाई चाचा माई बहन साथ में बैठ के लोग फिल्म देखें और आनंद उठाएं। भोजपुरी सितारों जलवा बिग बॉस शो में पार्टिसिपेट किया है, दिनेश जी ने पार्टिसिपेट किया, आपको कभी ऐसा ऑफर है तो आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे बिग बॉस शो में? बिग बॉस में हमसे रहा लेना चाहिए खुद बिग बॉस है हो गया आप लोग का ऐसा नहीं है सर फिर भी कहना समय बताएगा सर। और प्रोजेक्ट के बारे में आप बीजेपी ज्वाइन किया है और अभी पद्मावती को लेके विवाद चल रहा है सर। अरे यार बिग कंट्रोवर्सी आपको भी मिलना आज अवार्ड का एंजॉय कर रहे हैं आज हम अभी भाजपा में शामिल भइल बनी हम तो अभी नया नया सिपाही भर्ती भइली हैं और फिल्म को लेके मैंने सुना काफ़ी चर्चाएं तो नो कमेंट्स अभी एक कलाकार के नाते आज अवार्ड फंक्शन है तो आज हम लोग थोड़ा सा हंसी खुशी मनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू।